आप सभी दर्शकों का ऑल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट पर स्वागत है। आज हम आपको लर्न फ्रॉम होम लाइव क्लास की बात करेंगे, किस तरह से लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे। ये हमारा जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर वो फ्री स्टडी मटेरियल्स हैं, लाइव क्लास हैं, या आप अपने रिसर्च पेपर को शेयर कर सकते हैं। लर्न फ्रॉम होम कंसेप्ट ऐसा है कि इस लॉकडाउन के टाइम पर या आप घर बैठे कहीं से भी आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको www.allonlinelearning.com वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको लर्न फ्रॉम होम लाइव क्लास का एक ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करने हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर लाइव क्लास डैशबोर्ड दिखेगा। लाइव क्लास डैशबोर्ड में अगर आप न्यू स्टूडेंट या न्यू लर्नर हैं तो आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को फीड करनी होगी। ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो होगी, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप फिल कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज दिखाई देगा जहां पर आपको नेम, क्लास, ईमेल, होम, सिटी, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको डालनी होगी और सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, तब हम आपको एक परमिशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, हम फिर से एक बार लाइव क्लास के पेज पर जाते हैं और लाइव क्लास के पेज पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, साइंस ग्रुप और आर्ट ग्रुप की सब्जेक्ट है जिसके क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके सामने ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप सी प्रोग्रामिंग की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके सामने ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज दिखाई देगा जो कि आपका एम एस टीम ऐप का पेज होगा। उस एम एस टीम ऐप के पेज के थ्रू आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पेज पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया है ऐप तो आपको लॉन्च इट नाउ पर क्लिक करना होगा और क्लास को ज्वाइन करना होगा। अगर आप जो है ऐप नहीं इंस्टॉल है तो आप इसको गूगल क्रोम के थ्रू, आपके मोबाइल में गूगल क्रोम का ऑप्शन आएगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।